हेलो दोस्तों, आज मैं स्ट्रॉबेरी से खट्टा मीठा बर्फी बनाऊंगी। 1 किलो मैंने स्ट्रॉबेरी ली है, उसको अच्छी तरह से धो करके उसे अच्छी स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए पेस्ट बन गया है। अब इसे मैं जिस कढ़ाई में बनाएंगे उसी कढ़ाई में इसमें अब हम 5 स्पून कॉर्नफ्लोर या फिर कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है आपके पास तो कस्टर्ड पाउडर है तो कस्टर्ड पाउडर डाल सकते हैं, या फिर आप कॉर्नफ्लोर है तो कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करें, इसमें कोई भी गुठलियाँ ना रहे। कस्टर्ड पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, अब इसमें मैं गुड़ डाल रही हूँ। आप गुड़ की जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने 250 ग्राम गुड़ लिया है, आप इसकी जगह चीनी ले लीजिए। और इसमें ऑलमोस्ट 10 चम्मच कोकोनट का जो पाउडर आता है, बुरादा आता है, वो डाली हूँ। तो इससे क्या होगा, पानी इसमें जो रहता है वो सोख लेगा और जल्दी तैयार हो जाएगा। कॉर्नफ्लोर, गुड़ और कोकोनट का बुरादा को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद गैस को ऑन कीजिए और इसे हाई फ्लेम पर कंटिन्यूसली चलाते रहिए। अगर आप हाई फ्लेम पर नहीं चला पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मीडियम फ्लेम कर लीजिए। मीडियम फ्लेम पे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, अगर आप मैनेज कर पाते हैं तो आप हाई फ्लेम पर रख सकते हैं। इसी तरह से घुमाते रहिए, चलाते रहिए और गाढ़ा होने तक इसे सुखाना है। लगभग 20 मिनट हो गया है, अब ये रेडी हो गया है। देखिए स्मूथ पेस्ट बन चुका है, गाढ़ा हो गया है अच्छी तरह से। अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। तब जब तक हम एक थाली लेंगे और उसमें नारियल का जो बुरादा है उसे हम फैला लेंगे, छिड़क लेंगे अच्छी तरह। इसके बाद हम इसमें स्ट्रॉबेरी का जो हमने अभी स्मूथ पेस्ट बनाया हुआ है उसे हम इसमें डाल देंगे। नारियल का बुरादा छिड़कने के बाद इसे इसमें आप स्ट्रॉबेरी का जो पेस्ट बनाए हैं उसे आप डाल दीजिए और इसे इवेनली फैला दीजिए। आप प्लेन चाकू की सहायता से भी इसे स्मूथ कर सकते हैं। इसे डालने के बाद थोड़ा सा टैप कर लें, इसके ऊपर आप नारियल का बुरादा छिड़क लें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। जब पूरी अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तब इसे चाकू की सहायता से आप स्क्वायर पीसेस में कट कर लें। ये देखिए दोस्तों, ये बर्फी बन करके तैयार हो गया है और अब इसे आप फ्रिज में स्टोर कर लें और जब भी खाना हो आप निकाल करके खाने से थोड़ी देर पहले निकाल लें और फिर खाएं। तो ये स्ट्रॉबेरी का खट्टा मीठा बर्फी तैयार हो गया है। आपको अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।